वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, ये वीडियो आपकी जो रहेगी वो टाइपिंग टिप्स के ऊपर रहेगी। विद इन 14 और 15 डेज में आप अपने टाइपिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे टाइपिंग को बढ़ा सकते हैं, टाइपिंग स्पीड जो है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है, उसका बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें टाइपिंग की डिमांड की जाती है, टाइपिंग इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी एंड अदर लैंग्वेज, ठीक है। पर उनके जो बेसिक्स हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा आपका सेम रहता है। तो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कस कि हमें क्या क्या चीज़ें को ध्यान में रखना चाहिए जब हम टाइपिंग में करते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उसका जो रिजल्ट है, आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में उसका रिजल्ट बताओ। लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहले इसमें मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी टाइपिंग टिप्स के, क्या रूल्स हैं, क्या क्या आपको जो है साइट फॉलो करनी है, किस किस पे आप जो है क्या क्या कर सकते हैं, ये सब वीडियो को पूरा ध्यान से सुनो। पहला है रूल नंबर वन। रूल नंबर वन में ये है, यूज कीबोर्ड, ठीक है। जैसे लैपटॉप कहीं यूज करते हैं तो आपको कीपैड, जो लैपटॉप का कीपैड है वो यूज नहीं करना है। जब भी टाइपिंग सीखनी है तो टाइपिंग के लिए आपको कीबोर्ड जो है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये आपका रूल नंबर वन, वेरी सिंपल। रूल नंबर टू, यूज टू और थ्री डिफरेंट कीबोर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीबोर्ड्स जैसे आपका एग्जाम है, ठीक है ना, आपने एग्जाम के लिए टाइपिंग करनी है, आपके पास बहुत कम समय है और आपको टाइपिंग सीखनी है अभी, ठीक है। पहले तो एक कीबोर्ड से आप पहले जो है वो यूज करें। जब आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाए तो आपको टू और थ्री डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड्स यूज करने हैं। इसका बिहाइंड रीजन ये रहता है कि जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो वहाँ का कीबोर्ड डिफरेंट हो सकता है, जो आप घर पे यूज़ करते हैं वो कीबोर्ड डिफरेंट हो सकता है। सो दैट अगर आपने टू और थ्री कीबोर्ड्स, जब आप देखें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप यही चीज़ देखेंगे, जब हम एक कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते उस कीबोर्ड की हमें हैबिट पड़ जाती है। और जब हम, आप देखना, जब आप एक अदर कीबोर्ड यूज़ करेंगे कुछ दिनों बाद, हफ्ते बाद, ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली एक दो बार कम होगी। मैं ये नहीं कहती हर बार कम होगी, पर थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब हम कोई नया कीबोर्ड यूज करते हैं तो थोड़ी सी आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो हिलती है, ठीक है। तो अगर आप टू और थ्री डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड यूज करेंगे, उससे क्या होगा, आपको ये चीज समझ में आएगी कि एग्जामिनेशन हॉल में जब मेरे को बैठना है, तो मेरे को जब टाइपिंग स्टार्ट करनी है, तो वो कीबोर्ड डिफरेंट होगा और मैं जो घर पे कीबोर्ड यूज करता था या करती थी वो डिफरेंट होगा। तो मुझे वो जो हिलती है टाइपिंग हल्की सी, उसको मैनेज कैसे करना है, वो आपको पहले से आता होगा। तो ये रूल नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, ये जो मेरे को मैंने सब सीखा है, ठीक है ना। मैंने टाइपिंग स्पीड जब ये मैंने बहुत कम समय में अपने टाइपिंग को कवर कर लिया था, तो वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट कि आप भी उन चीजों को सीखें। आगे हम बात करते हैं रूल नंबर थ्री की, पोजिशन एज यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम टाइम क्या होता है, हम बेड पे बैठ के, ठीक है, या कोई ऐसी लेटने वाली पोजीशन में टाइपिंग करते हैं, ठीक है, आराम से बैठ के कूल होके, बट ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर चेयर और टेबल पे बैठ के करना है, जैसे हमें एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करनी होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सम टाइम क्या होता है, आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, बेड पे बैठ के करते हो, ज़मीन पे बैठ के करते हो, तो जो आप कीबोर्ड है वो अपने अपने ऊपर रख लेते हो अपने यहाँ, ठीक है ना, तो ये कंफर्टेबल जो है वो पोजिशन नहीं होती है। आपको प्रॉपर चेयर और टेबल लेना है और उसी पे ही बैठ के आपको जो है वो टाइपिंग करनी है, ठीक है जी। तो ये था आपका रूल नंबर थ्री। आगे हम बात कर लेते हैं रूल नंबर फोर की। रूल नंबर फोर ये कहता है कि ड्यूरिंग टाइपिंग डू नॉट यूज लेफ्ट थंब। लेफ्ट थंब का आपका बिल्कुल भी यूज जो है वो नहीं होने वाला है, ठीक है, वो आप नहीं करोगे लेफ्ट थंब का। जो आप राइट थंब का यूज करते हो, ठीक है, जो राइट थंब का यूज करते हो वो आपका स्पेस बार में यूज होता है, ठीक है। जब आप स्पेस बार दबाते हो, स्पेस देनी होती है, तो स्पेस बार को दबाने के लिए आप जो है वो राइट थंब, ठीक है, राइट थंब जो है वो यूज करते हैं, तो लेफ्ट थंब का कोई भी यूज नहीं होने वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट है रूल नंबर फाइव। रूल नंबर फाइव ये कहता है, फर्स्ट, जैसे आप बिल्कुल बिगनर हो, ठीक है ना, आप बिल्कुल बिगनर हो, तो फर्स्ट टू और थ्री डेज प्रैक्टिस ऑफ अल्फाबेट ऑन एमएस वर्ड और नोटपैड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिगनर हो, आपको कुछ नहीं आता है टाइपिंग का, तो ये आपका जो है एज अ टाइपिंग, आपका ये फर्स्ट स्टेप रहता है कि आपको पहले दो या तीन दिन सिर्फ अल्फाबेट की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो टाइम पे डिपेंड करता है, अगर तो आपको एक महीना है, आपके पास एक साल है, या फिर आप एक शौक के लिए टाइपिंग सीख रहे हैं, तो आप आराम से लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपको बोलो कि आपने एग्जाम क्रैक करना है, आपके पास जस्ट 14 to 15 days है, या आपके पास सिर्फ 1 महीना है, ठीक है ना, तो हमारे फिर आपको जो है वो एक दिन में, ठीक है ना, 5, मैं ये बोलूंगी 6 to 5 hours जो है वो आपको देने होंगे। ये नहीं है तो एक दिन में आपने 2-3 बार प्रैक्टिस की तो आप बोलोगे कि मुझे मेरे अल्फाबेट्स मुझे आ गए हैं, मैं थोड़ा बहुत हार्ड बैठ गया है तो मैं जो है वो कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, मैं जो है वो कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। अगर डिपेंड करता है आपके टाइम पे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको अपने आवर्स जो है वो बढ़ाने हैं। अगर आप शौक के लिए टाइपिंग सीख रहे हैं या कोई एग्जाम जो है वो आपके 2 months में आने वाला है, 6 months में आने वाला है, तो आप आराम से भी उस चीज़ को कर सकते हैं। आप 1 hour या 2 hours जो है अपने हिसाब से उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। बट आपको पता है कि मेरा एग्जाम आने वाला है तो इट्स मस्ट आपको प्रैक्टिस जो है वो 5 to 6 hours करनी पड़ेगी। अल्फाबेट की अगर मैं बात करूँ तो अल्फाबेट जो है आपको सीखने हैं, ठीक है, अल्फाबेट जो है आपको एमएस वर्ड या नोट पैड पे, ठीक है, लेट्स सपोज अगर जो ए बी सी डी ई, आपको ये 1 by 1 अल्फाबेट सीखने हैं। और ये चीज ध्यान रखना, जब आप अल्फाबेट सीखते हो कोई चीज की जल्दी नहीं है, टाइम तब आपको नहीं देखना है, टाइम लिमिट कभी मत देखना, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना और वो है आपकी एक्यूरेसी। कि अगर मैं ए दबाना है तो मुझे फिर टाइप पे ए ही दबाना होगा, अगर मुझे सी दबाना है तो मेरी फिंगर से सी ही आना चाहिए, ठीक है। तो टाइम जो है उसको नहीं देखना कि मुझे 10 मिनट में मैंने एबीसी खत्म करनी है, मैंने 5 मिनट में अल्फाबेट सारे खत्म करने हैं, इस चीज को प्लीज इग्नोर करना और सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना, एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है तो टाइम ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, राइट। तो एक्यूरेसी जो है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है जी। तो अगर आपको, मैंने आपको फिर बोला है, जैसे कि अगर आप नोट पैड पे या एमएस वर्ड पे टाइप कर रहे हो, ए का मतलब ए, राइट, पी अगर आप राइट कर रहे हो तो पी किस फिंगर से होगा, मैं सब डिस्कस करूंगी आपके साथ ये चीजें। तो पी किस फिंगर से, तो उसी फिंगर से पी आपको आना चाहिए। अगर आप 2 or 3 days प्रैक्टिस करते हैं तो आप 4th day देखेंगे कि आपको याद होगी, आपकी उंगलियों को याद होगा, ठीक है ना, आपको नहीं, आपके फिंगर्स को जो है वो याद होगा कि ए कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है। आगे हम आते हैं रूल नंबर 6 पे। प्लीज आप इनको लाइटली मत लेना, ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आफ्टर प्रैक्टिस जरूर बताएंगे कि ये आपके लिए वीडियो कितनी यूजफुल रही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 पे। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है, इन द बिगनिंग यूज न्यूज पेपर फॉर टाइटल। बिल्कुल राइट है, जब आप बिल्कुल शुरुआत कर लेते हो, आपने अल्फाबेट सीख लिए हैं, 2 or 3 days की प्रैक्टिस हो चुकी है, उसके बाद क्या करना है आपको, एमएस वर्ड पे या नोट पैड पे न्यूज़पेपर को सामने रखना है, या कोई भी आर्टिकल हो आपका जो है, आपका एक बुक का पेज हो, ठीक है, कोई भी बुक का पेज सामने रख लीजिए, देखो आप बुक की तरफ, तब आपका जो ध्यान है वो कीबोर्ड की तरफ नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान जो है वो उस बुक पे होना चाहिए और आप टाइप हाथ से कर रहे हो, इस चीज का ध्यान जरूर रखें। अगर आप बिगनर हो, कोई जल्दी नहीं है, देखो आराम से, आप स्क्रीन पे भी देखो, अपने बुक पे भी देखो, कोई जल्दी नहीं है, पहले उंगलियों को, आपकी फिंगर्स को अल्फाबेट याद करवाना बहुत जरूरी रहता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 7 की। तो रूल नंबर 7 क्या कहता है, लेस यूज ऑफ बैक स्पेस, ट्राई हिट राइट अल्फाबेट इन द बिगनिंग एंड फोकस ऑन एक्यूरेसी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि बैक स्पेस का यूज बहुत कम करें। ये नहीं है कि अगर मुझे के दबाना है, ठीक है ना, तो मैंने किसी भी फिंगर से के दबा दिया, वो गलती से गलत हो गया, बैक स्पेस का यूज किया, फिर कुछ और दबाया, फिर वो गलत हो गया, फिर बैक स्पेस, नो, आपको पहले अपनी फिंगर को के अल्फाबेट याद करवाना है। जब आपको उस फिंगर को अल्फाबेट के याद हो गया तो इट मीन्स उस फिंगर से हमेशा के अल्फाबेट ही आना चाहिए, राइट। तो बैक स्पेस का जितना कम यूज करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और एक्यूरेसी बढ़ने से आपका टाइम अपने आप इंक्रीज होगा, ठीक है। आप कभी मत सोचना मुझे टाइम देना है, मुझे 10 मिनट्स में इतने अल्फाबेट्स निकालने हैं, ये बिल्कुल मत सोचना, राइट। जब आप स्टार्टिंग में, आपके पास टाइम कम है तो प्लीज एक्यूरेसी पे ध्यान देना। एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे तो टाइम अपने आप जो है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 8 की। ऑलवेज डू टाइपिंग फॉर 10 मिनट्स एंड ट्राई इट ऑन स्टडी टेबल एज यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है।
आप 10 मिनट की टाइपिंग, ठीक है, ये नहीं है घंटा घंटा बैठ के टाइपिंग करते रहो, ये भी मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जब आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप बैठे रहते हो और जो है टाइपिंग करते रहते हो, उससे क्या होता है कि एक जो फिंगर्स है उन वो थक जाती है, वो मतलब जो है आपकी एक्यूरेसी निकलती नहीं है। आप ये ट्राई करके देखना, 10 मिनट, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स अगर आप टाइपिंग करते हो, देन ब्रेक लो, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा इधर उधर टहलने चले जाओ, पानी पीने चले जाओ, थोड़ा ब्रेक लो, उसके बाद फिर 10 मिनट्स बैठो या 20 मिनट्स बैठो, ठीक है। और आपको उसी पोजिशन पे बैठना है जिस पोजिशन पे आपको एग्जामिनेशन हॉल पे बैठना है, क्लियर। तो एक चेयर टेबल पे बैठ के आपने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। मेक श्योर अगर आप मेरी ये टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो अच्छी कर लोगे। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ऐसे ही ऑनलाइन गूगल पे आप सर्च करना, बहुत सारी साइट्स हैं जो हमें अल्फाबेट टाइपिंग करवाती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक गूगल पे सर्च करना मुझे टाइपिंग, ठीक है, टाइपिंग फॉर बिगनर्स, तो ऐसी कौन सी ऐप्स हैं, तो आपके पास ऐसे टाइप निकल के आएंगे, जैसे टाइपिंग मास्टर एक ऐप है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी ऐप हैं, आप गूगल पे सर्च करना, वो पहले क्या करती हैं, आपको अल्फाबेट्स पे ही काम करवाती हैं। पहले आपको काम है खुद याद करना, उन फिंगर्स को याद करवाना, नोट पैड या वर्ड पैड, वर्ड पे, एमएस वर्ड पे आपको वो टाइप करना है, उसके अल्फाबेट्स ओनली। उसके बाद आप गूगल पे जाके, जब आप टाइपिंग मास्टर पे या और सारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर आप देखें, आप उन पे देखें, तो वहाँ पे अल्फाबेट्स के लिए अलग से जो है वो टाइपिंग के लिए आते हैं, उसमें फिर एकदम से अल्फाबेट्स आते हैं, एच जे के एल। तो आपको क्या करना पड़ता है, वो फिंगर्स को याद करके, मैं तो जब मैंने स्टार्ट की थी, मुझे आज भी याद है, मैं एक बबल्स गेम होती है, ठीक है, आप भी ये ट्राई करके देखना, एक बबल्स गेम होती है, अल्फाबेट बबल्स गेम। उससे क्या होता है, बबल्स निकलते हैं और आपको हिट करना होता है, बहुत सारे बबल्स निकलते हैं, जे के बी, आप ट्राई करके देखना, ठीक है। उससे मैंने अल्फाबेट जो थी, मैंने इन्हीं से मैंने गेम खेलते खेलते ही सीखा है, ठीक है। तो अल्फाबेट्स होंगे तभी तो वर्ड्स टाइप कर पाओगे, तो पहले आपका जो रहेगा मेन जो आपका रहेगा वो अल्फाबेट्स के ऊपर ही रहेगा, ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं, ये आपको एक पिक्चर दी गई है, ठीक है, मैंने पिक्चर विजुअलाइज की है, फिंगर्स के ऊपर मैंने वर्ड्स तक मेंशन किए हुए हैं। इस पिक्चर को प्लीज आप अच्छे से देखो, ठीक है। बैक स्पेस के लिए मैंने आपको बता दिया था कि आप राइट थंब यूज करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से इस वाले वर्ड से, ठीक है, आपको क्यू ए और जेड, ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि आपको इस वाली फिंगर से, ठीक है, आपको इस वाली फिंगर से क्या क्या जो है वो प्रेस करना है। जब भी आप ये वीडियो देखें तो अपने पास एक कीबोर्ड जरूर रखें, और आप देखें कि लेफ्ट हैंड से मैंने जो आपकी ये वाली फिंगर है, लास्ट फिंगर है, इससे मैंने कौन कौन से वर्ड प्रेस किए हैं, क्यू ए जेड, इससे कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, डब्ल्यू एस और एक्स, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास तो 10 फिंगर्स ही हैं और अल्फाबेट्स आप देखें बहुत ज्यादा होते हैं, वे न्यूमेरिकल भी आपको जो है वो करने पड़ते हैं, तो एक फिंगर से बहुत सारे वर्ड्स टाइप होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जो फिंगर है उसको अगर मैंने ए के लिए रख लिया तो वो उससे क्या अकेला ए ही टाइप होगा, ऐसा नहीं होता, उसी से क्यू चलेगा, उसी से यू जो आपका ए होगा और उसी से आपका जेड होगा, उसी तरीके से डब्ल्यू है, एस है, एक्स है, इस फिंगर से ई है, डी है, सी है, ठीक है। और आप ये वाली फिंगर से देखें तो आपसे आर ई आर एफ वी टी जे जी बी, ठीक है ना, तो ये वाली इस फिंगर से होते हैं। उसके बाद आप राइट पे आ जाइए, राइट से स्टार्ट करते हुए, ठीक है, यहाँ पे आप यू दबाते हो इस फिंगर से, ठीक है, वाई भी इसी से दबता है और इवन यू भी इसी से प्रेस होता है, एच भी इसी से होता होगा, ठीक है, एच के बाद जे भी इसी से प्रेस होता है, एन भी इसी से प्रेस होता है, ठीक है, और एम भी इसी इसी फिंगर से प्रेस होता है। तो आप ये देखें कि एक फिंगर से कितने सारे अल्फाबेट को हमें प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। आगे से देखिए आप आई के, ठीक है, आई के जी, तो ये और जो आपका साइन है, ठीक है, वो प्रेस होते हैं, इससे ओ एल और डॉट का साइन आता है। तो आपके पास ये मैंने जो है आपके एक चार्ट रख दिया है जो आपसे आप सीख सकते हैं, ठीक है जी। बाकी गूगल पे आप जाके, मैंने आपको बताया है टाइपिंग फॉर बिगनर्स, आप सर्च करिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिलते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते जाएं, और बाद में आप पहले अल्फाबेट सीखें, फिर उसके बाद वर्ड्स बनाना सीखें, तो आप देखेंगे आपकी प्रैक्टिस जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड जो है एक्यूरेसी निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। आगे है रूल नंबर 9, बिफोर प्रैक्टिसिंग ऑफ अनदर लैंग्वेज फर्स्ट मेक श्योर योर इंग्लिश स्पीच शुड बी 35 or 40, देन इट इज़ वेरी इजी टू लर्न अनदर लैंग्वेज टाइपिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, ये भी मेरे एक्सपीरियंस के साथ ही मैंने आपको, जैसे मैंने क्या किया था, जब मैंने टाइपिंग स्टार्ट की थी तो मैंने मैंने पंजाबी और इंग्लिश की टाइपिंग करनी थी, ठीक है,
मेरा P BBB का एग्ज़ाम था, तो उसके लिए मेरे को पंजाबी और इंग्लिश की एग्ज़ामिंग जो था वो स्टार्ट करना था। तो पहले जो था, सबसे पहले मुझे जो गाइडेंस मिली थी वो यही थी कि इंग्लिश की टाइपिंग आपको सबसे पहले करनी है, ठीक है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आपको सबसे पहले करने हैं, उसके बाद ही अनदर लैंग्वेज पे आपको फोकस करना है। तो इंग्लिश की टाइपिंग जब आप करते हो तो आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सब प्रॉपर याद हो जाते हैं, जब उसकी स्पीड 35 और 40 आ जाती है तब ही किसी अनदर लैंग्वेज में शिफ्ट होना है, चाहे वो हिंदी हो, ठीक है, चाहे वो पंजाबी हो या और अदर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। अगर तो आपके पास बहुत टाइम है तो आप जब आराम से महीना 2 महीने जब आपकी 35 40 स्पीड निकलने लग पड़ती है तो आप दूसरे लैंग्वेज पे शिफ्ट हो जाते हैं। जब आपके पास टाइम कम है, आपके पास ओनली 15 डेज हैं या 20 डेज हैं, देन क्या करना है, देन आपको इंग्लिश की स्पीड अगर आपकी 25 भी आ जाती है या 30 भी आने लग पड़ती है तो आपको उसी टाइम जो है अनदर लैंग्वेज पे शिफ्ट होके उसी को, क्यों, सो दैट इज वाई कि इंग्लिश के की पैड से ही आपको बाकी अदर लैंग्वेजेस निकालनी होती है, राइट। तो अगर आपको पता है कि अ से अगर हिंदी में अ निकलने वाला है, ए से अगर हिंदी में अ निकलने वाला है, तो आपको ए की फिंगर याद होगी तभी आप अ से, अगर आप ए से अ निकाल पाओगे, क्लियर। तो इंग्लिश की टाइपिंग आनी बहुत जरूरी है, अच्छे से प्रैक्टिस करें, इंग्लिश की कमांड अच्छी करें, इंग्लिश की कमांड अच्छी होगी तो अनदर लैंग्वेज को सिर्फ आपको याद करना होगा, इससे ये निकलता है, ठीक है ना, एम से म निकलता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको ये पता है कि जब म दबाना है तो मुझे एम दबाना है, एम की पोजिशन तो आपको ऑलरेडी आती है, तो सो दैट इज वाई इंग्लिश की स्पीड आनी आपके लिए बहुत जरूरी है। रूल नंबर 10, कीप काम वाइल यू टाइपिंग, डू नॉट पैनिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो है रूल है, जब एग्जाम होता है तब पैनिक बहुत ज्यादा हो जाते हो, ठीक है, आपको उस टाइम पे काम रहना है। इवन जब आप घर पे भी प्रैक्टिस करते हो, टाइपिंग करते हो, नया नया आपकी स्पीड नहीं आएगी, बहुत सारी गलतियां होंगी, आप बैक स्पेस ज्यादा यूज करोगे, ठीक है, तो ये सब जो है गलतियां होती हैं, बट आपको उस सिचुएशन में भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। जब मैंने प्रैक्टिस की थी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पहले अल्फाबेट पे बहुत प्रैक्टिस की थी, बहुत प्रैक्टिस की थी, तो जब मैंने एक्यूरेसी इस चीज़ पे लानी स्टार्ट की कि अगर मैं एम दबाऊं तो मेरे अल्फाबेट एम दबाने से उस फिंगर से एम ही प्रेस हो, तो अल्फाबेट जो है वो प्रेस अगर आपको अच्छे से आ गए हैं तो आप हिंदी जब टाइप करते हैं या पंजाबी टाइप करेंगे या कोई और अदर लैंग्वेज करेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा, ठीक है जी। तो कीप काम वाइल टाइपिंग, डू नॉट पैनिक। सो ये मेरे टिप्स थे आपके लिए, ऐसे छोटी छोटी वीडियोज जो है जो आपके लिए यूजफुल रहती हैं आपकी स्टडी के लिए मैं लेके आ रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरा मीडिया जो है आपको अच्छा लग रहा है, चैनल आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाऊं, और इवन जो भी एग्ज़ाम आपके बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं वो आने वाले हैं, ठीक है, तो मैंने बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी इस वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी प्ले लिस्ट जो है वो बनी हुई है, रीजनिंग की अलग से प्ले लिस्ट है, क्वांट्स की अलग से है, तो आप प्लीज़ उसको ध्यान से दें, देखें, और प्लीज़ इस चैनल को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, सो दैट कि ये चैनल प्रमोट हो और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत सारे जो हैं वो वीडियोस लेके आऊँ। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।